हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। आई होप गाइस यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों की प्रेपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ, स्पीकिंग पार्ट वन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सो आई होप ये वाले आइडियाज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे। अगर आप लोग मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। सिंगल मॉड्यूल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने ऑफ़र चलाया हुआ है संडे तक, अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो उसको जस्ट 900 पर मॉड्यूल सबमिट करवाना पड़ेगा। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सो फर्स्ट टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सिनरी के ऊपर, ठीक है, कि जो सिनरी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं उनको हम कैसे कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज़ देयर गुड सिनरी इन योर होम टाउन, क्या आपके होम टाउन में कोई अच्छी सी सीनरी है। सो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि कैसे आंसर देना चाहिए। सो देखो, सबसे पहले कनेक्टर यूज़ किया, टू बी ऑनेस्ट आई लिव इन विलेज, मैं विलेज में रहता हूँ। ओइंग टू दिस, इसी वजह से, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीनरीज आर अवेलेबल, यहाँ पे डिफरेंट काइंड की सीनरीज अवेलेबल है। बट मोस्टली पीपल डाई एड फैन ऑफ नेचर ब्यूटी व्यूज़, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो डाई एड फैन मतलब बहुत ज़्यादा फैन होना, किसके ज़्यादा फ़ैन है, नेचर की जो ब्यूटी के व्यूज़ होते हैं उनके वो ज़्यादातर फ़ैन हैं मेरे होम टाउन में। ओके, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। सो मैंने क्या बोला, काफ़ी तरह के सीनरीज हैं मेरे होम टाउन में, लेकिन जो लोग हैं वो किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, नेचर ब्यूटी को। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, व्हेन यू ट्रैवल, जब आप ट्रैवल करते हो, डू यू लाइक टू लिव इन होटल्स विद गुड सीनरी व्यू, जब आप ट्रैवल करते हो तो आप वो होटल पे रहना पसंद करते हो जिसमें अच्छा सा सीनरी व्यू होता है। सो देखो कि इसको मैंने कैसे बोला, सबसे पहले कनेक्टर, इट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर मी, ये मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। As I am travel freak person, जैसे कि मैं एक travel freak person हूँ, owing to this, इसी वजह से, I like to reside in that area, मुझे उस area में रहना पसंद है, which indulge मतलब involve, okay? मुझे उस area में रहना पसंद है जहाँ पर क्या होता है, amazing मतलब beautiful, ठीक है, जहाँ पे ब्यूटीफुल क्या होती हैं, सीनरीज होती हैं, बिकॉज इट गिव्स मी रिलैक्सेशन, क्योंकि वो मुझे रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती हैं, वो सीनरीज मुझे रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू लाइक टू टेक पिक्चर्स ऑफ गुड सीनरी व्यू विद योर स्मार्टफोन, क्या आपको पिक्चर्स को क्लिक करना पसंद है जिन की सीनरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। सो देखो आंसर, ऑफकोर्स आई लव टू कैप्चर दोज फोटोज़, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उन फोटोज़ को कैप्चर करना, विच इंडल्ज मतलब इन्वॉल्व, ठीक है, नॉट ओनली ग्रीनरी बट ऑल्सो मैग्निफिसेंट मतलब ब्यूटिफुल, ठीक है, इसका मतलब होता है ब्यूटिफुल, ठीक है, मुझे उनकी पिक्स क्लिक करना पसंद है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है और बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ होते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज पिक्स, इन पिक्स की हेल्प से आई कैन ईजिली रिजुविनेट माई मूड वेन एवर आई फील डाउन इन द डम्प्स, रिजुविनेट मतलब फ्रेश, ठीक है, इम्प्रूव करना जिसको हम बोल देते हैं, इन पिक्स की वजह से मेरा मूड फ्रेश हो जाता है जब कभी भी मैं फील करता हूँ डाउन इन द डम्प्स। डाउन इन द डम्प्स मीन्स सैड, ठीक है, जब कभी भी मुझे सैड फील होता है तो इन पिक्स की हेल्प से मेरा मूड एकदम फ्रेश हो जाता है। सो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इलैबोरेट करने की कोशिश की है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, idioms, vocab, सब कुछ आपको इसके अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इज़ देयर एनी सीनरी इन सिटीज़, क्या सिटीज़ में कोई सीनरी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये सीनरीज आर डिसअपेयरिंग स्पेशली
इन मेट्रोपोलिस एरिया, मेट्रोपोलिस एरियाज़ होते हैं सिटी एरियाज़। मैंने क्या बोला कि जो सीनरीज है ना वो डिसअपेयर मतलब ख़त्म हो रही है, ठीक है। डिसअपेयरिंग का मतलब होता है ख़त्म होना, सिटीज़ में सीनरीज ख़त्म हो रही हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग हैं कट ट्रीज़ जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए लोग ट्रीज़ को कट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा वेदर मॉल्स, स्काई स्कैपर्स एंड होटल्स आर बर्जनिंग डे बाय डे। और जो मॉल्स हैं, स्काई स्कैपर्स हैं, होटल्स हैं, वो बर्जनिंग मतलब इंक्रीज़, बर्जनिंग का मतलब होता है इंक्रीज़ होना, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। ये इन चीज़ों की जो पॉपुलेशन है, रेट है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। सो दैट्स द मेन रीज़न कि आजकल बहुत कम सीनरीज होती हैं। सो गाइस देखो, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, इन सभी में मैंने कनेक्टर डिफरेंट डिफरेंट यूज़ किया है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्पीकिंग का, सेम कनेक्टर को कभी भी यूज़ नहीं करना है आप लोगों ने, ओके। सो सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड टॉपिक किसके ऊपर है, बुक्स के ऊपर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू ऑफन रीड बुक्स, क्या आप लोग आमतौर पर बुक्स को रीड आउट करते हो। सो कनेक्टर सबसे पहले, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से, आई एम नॉट एविड रीडर पर्सन। नॉट एविड रीडर पर्सन मतलब जिसको बुक्स को रीड आउट करना नहीं अच्छा लगता। आई डोंट लाइक टू रीड बुक्स, मुझे बुक्स को रीड करना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। बट वंस इन ए ब्लू मून, वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, कभी कभी आई रीड कल्चर रिलेटेड बुक्स, लेकिन कभी कभी मैं कल्चर रिलेटेड बुक्स को रीड कर लेता हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज़ योर रीडिंग हैबिट डिफरेंट इन द पास्ट, आपकी जो रीडिंग हैबिट थी वो पास्ट में डिफरेंट थी। डेफिनेटली कनेक्टर, इट इंडल्ज ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। लाइक व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, एट दैट टाइम, उस टाइम पर, आई गिव मच सिंगल आउट, मैं किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता था, वो है फनी एज वेल एज स्पोर्ट्स रिलेटेड बुक्स को, वेयर एज कॉन्ट्राडिक्ट किया, इन दिस मॉडर्न एरा, आजकल की एरा में नॉट ओनली बिजनेस रिलेटेड बट ऑल्सो फैशनेबल बुक्स आर प्रेफर्ड बाई मी, आजकल मैं बिजनेस रिलेटेड और फैशन से रिलेटेड बुक्स को रीड आउट करता हूँ, लेकिन जब मैं चाइल्ड था तो मैं फनी और स्पोर्ट्स के रिलेटेड बुक्स को रीड आउट करना पसंद करता था, ओके। सो नेक्स्ट देखो, Have you ever read a book that was adapted into film? ठीक है, इसका आंसर कैसे देना है, Honestly speaking, ईमानदारी से बोलूँ, I have never read a book which adapted into movies, but in future, मैंने कभी read out नहीं किया है, लेकिन future में, if I will get a chance, अगर मुझे chance मिलेगा, then I will never miss the boat, एक एडियम है जिसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बोट का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। सो मैंने क्या बोला, नेवर, कभी भी मिस नहीं करूँगा, किसको, बोट को, बोट मतलब अपॉर्चुनिटी को, अगर मुझे फ्यूचर में चांस मिलेगा तो मैं उस चांस को मिस नहीं करूँगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू प्रेफर, रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग मूवीज, आपको क्या अच्छा लगता है, बुक्स को रीड करना या फिर मूवीज़ को देखना। As I am a student, जैसे कि मैं एक student हूँ, so I have hectic schedule, so मेरा एक hectic schedule है, hectic मतलब busy, मेरा एक busy lifestyle है। Even I am not that much interested in books, और मेरा बिल्कुल भी interest books में नहीं है, so I love to watch movies, so मुझे movies को देखना पसंद है। Just because of these film, इन film की help से, I can easily remember any story, मैं easily remember रख सकता हूँ कोई भी story को, so I am die-hard fan of movies instead of book, so मैं die-hard fan मतलब बहुत ज़्यादा fan हूँ किसका, books का नहीं, मूवीज़ का, ठीक है, मूवीज़ का मैं सबसे ज़्यादा
फ़ैन हूँ। सो देखो, इसमें भी जितने भी कैरेक्टर्स मैंने यूज़ किए हैं वो सभी डिफरेंट्स हैं। सो गाइज, मेरा जो मेन मोटिव है वो है कि आपके अच्छे से अच्छे बैंड्स को आ जाए। सो ये मैंने आज टू टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक इज वेल। एंड गाइज, अगर कोई भी बच्चा मेरे ऑनलाइन क्लासेस पे इंटरेस्टेड है सो वो गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके मेरी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हरप्रीत, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट। एंड संदीप आल्सो, ओके, बहुत अच्छा कमेंट किया था। सो थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आईएलटीएस विद एमके चैनल।